हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन यहाँ मिलती एजुकेशन एकदम फ्री सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए स्टूडेंट्स मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हमारा कह सकते हो आप एक मैग्नेट ब्रेन टेस्ट पेपर जो फुली प्रिपेयर्ड है आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स ना कि आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है लेकिन अगर आपको हाई क्वालिटी कंटेंट बुक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो फॉर्म है उसको फिल कीजिए और आपके पास आपकी बुक पहुंच जाएगी वो भी एकदम हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ सो so स्टूडेंट्स आप मैग्नेट ब्रेन की बुक ले सकते हैं जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फॉर्म है उसको फिल कीजिए और हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर सिक्स बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस के मैग्नेट मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर के साथ सो so स्टूडेंट्स आज का हमारा पहला क्वेश्चन है गिव एनी टू रीजंस फॉर सेलेक्शन ऑफ पी प्लांट्स बाय मैंडल फॉरिस्ट एक्सपेरिमेंट्स uh, वो कौन से दो रीजन्स थे जिसकी वजह से मैंडल ने पी प्लांट्स चूज करा था तो स्टूडेंट्स सबसे पहला रीज़न तो ये था कि मैंडल ने वो इसीलिए चूज करा था क्योंकि उसके पास बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे कुछ टॉल थे कुछ ड्वॉफ थे कुछ रिंकल थे कुछ राउंड थे कुछ येलो कलर थे कुछ ग्रीन कलर थे किसी का पॉट सर्क्यूलर था किसी का फ्लैट था तो बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स होने की वजह से मैंडल ने पी प्लांट्स को सेलेक्ट करा था ये था मेरा पहला रीज़न एंड दूसरा रीजन इसलिए था कि वो जो थे वो इजिली क्रॉस पॉलिनेट हो जाते थे और साथ ही साथ सेल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल था ये दो मेन रीजन हैं जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट्स को चूज करा था अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए इज दैट क्लियर चलिए क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं नेम मैनी वन प्लांट दैट शोज दिन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर ऐसा कौन सा कह सकते हो प्लांट है जो शो करता है फिनोमिना ऑफ इनकम्प्लीट डोमी इनकम्प्लीट एग्जांपल याद होगा जिसमें हमने व्हाइट फ्लावर एंड कह सकते हो रेड फ्लावर को करा था लेकिन जो ऑर्फन जनरेशन थी वो पिंक कलर की आई तो ये एग्जांपल था हमारे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो डोमिनेटिंग ट्रेट है वो अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाया और जो रिसेसिव था उसने भी अपने कैरेक्टर्स दे दिए तो ऐसा कौन सा प्लांट है स्टूडेंट्स तो डॉग फ्लावर जिसको हम ड्रैगन भी कहते हैं जिसका साइंटिफिक नेम है एंटीराइनम एंड ये जो प्लांट है ये क्या आता है दिस प्लांट शोज द फिनिना ऑफ इनकम्प्लीट डोम ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस ऑफ अट्स फ्लावर का लव इज दैट क्लियर इसका एग्जाम्पल हमने डाइग्राम समझा था जिससे हमने एक व्हाइट कलर के फ्लावर को रेड कलर के फ्लावर के साथ जब क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो जो एफ वन जनरेशन आई वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट की आई ना कि अपने पेरेंट जनरेशन के साथ इज इज दैट क्लियर चलिए Let's move to our next question, question number three. Name the base change and the amino acid change responsible for. सेल एनीमिया तो सिक्कल सेल एनीमिया इज अ टाइप ऑफ मिस होने की वजह से पूरा का पूरा अमाइनो एसिड चेंज हो गया तो मेन डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स ग्लूटामिक एसिड जी ए जी क्या बन जाता है जी जी वलीन तो ग्लूटामिक एसिड जब वलीन में कन्वर्ट हो जाता है तो आरबीसी का शेप राउंड होने की बजाय क्या हो जाता है सिक्कल शेप का हो जाता है एंड इसल शेप का होने की वजह से आरबीसी का मेन काम क्या है ट्रांसपोर्ट ऑफ का बायकॉन के चेंज कर दिया सिक्कल सेल में तो क्या हो जाएगा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी विल डिक्रीज और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जब डिक्रीज हो जाएगी तो आपकी को क्या हो जाएगा सीवियर इशूज होने लगेंगे एंड स्टूडेंट सिकलिंग जो बहुत कॉमन है सिकल सेल अनिमिया में जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और मेन रीजन क्या है ग्लूटामिक एसिड जो हमारे हीमोग्लोबिन चेन का एक अमाइनो एसिड है वो चेंज हो जाता है इनटू वलीन तो क्या हो जाता है हमारा जी ए जी किसमें चेंज हो जाता है जी यू जी में तो ग्लुटामिक एसिड चेंजेस टू वलीन इज दैट क्लियर तो उसका आंसर देख लेते हैं

22 पेयर्स ऑफ ऑटोज़ोम है ठीक है एंड आपका क्या बन रहा है डबल एक्स वाई एंड सेक्स क्रोमोसोम्स क्या है डबल एक्स वाई मतलब एक एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम है आपके पास इंसटेड 22 पेयर्स ऑफ ऑटोज़ोम एंड एक्स एंड वाई आपके पास क्या है एक्स्ट्रा पेयर ऑफ एक्स एंड वाई तो क्या बन जाता है डबल एक्स वाई एंड ये कंडीशन में हम यूजली uh, uh, बच्चों को क्या होता है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम क्या होता है स्टूडेंट्स क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम इसके बहुत सारे फीचर्स हैं कि आपका एबनॉर्मल बॉडी रेशो हो जाता है लॉन्ग लिम्स हो जाते हैं देन आपको लॉस ऑफ कह सकते हो सेक्शुअल कैरेक्टर्स हैं ब्रॉड नेक एंड देन आपके पास uh, कह सकते हो एक्सक्रोमोजोम ज़्यादा हैं तो एक्स क्रोमोजोम जब ज्यादा है तो मतलब फीमेल कैरेक्टर्स आने लगते हैं आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजिन रहेगा प्रोजेस्टोरॉन का लेवल कम रहेगा तो यूजुअली जब ये बच्चे नॉर्मल एज के रहते हैं जब कह सकते हो अडोलिसेंट रहते हैं तब इनकी फीचर्स दिखना चालू होते हैं जब तक ये बच्चे रहते हैं तब तक ये नॉर्मल लगते हैं बट जैसे ही अडोलिसेंट्स आता है इनके फीचर्स एकदम डिफरेंट होते हैं बाकी सबसे कंपेरिजन में सो स्टूडेंट्स डबल एक्स वाई इज अ कंडीशन फॉर क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम जिसमें एक एक्स पे क्रोमोजोम एक्स्ट्रा रहता है इसलिए फीमेल कैरेक्टर्स ज्यादा होते हैं नाउ सेकेंड ऑप्शन है ट्वेंटी टू पेयर ऑफ ऑटोजोम प्लस ट्वेंटी फर्स्ट क्रोमोजोम प्लस एक्स एंड वाई मतलब ट्वेंटी फर्स्ट क्रोमोजोम की क्या है ट्राइसोमी एंड ट्वेंटी फर्स्ट क्रोमोजोम की जब ट्राइसोमी होती है तो क्या होता है डाउन सिंड्रोम क्या होता है डाउन सिंड्रोम तो ट्राइसोमी ऑफ ट्वेंटी वन विल रिजल्ट इन टू डाउन सिंड्रोम जिसमें इन बच्चों का आई क्यू लेवल ज्यादा रहता है आई क्यू लेवल कम रहता है पाम साइम इनक्रीज दिखता है इनका बॉल्डेड नेक होता है राउंड प्रोट्रूडेड इनकी एकदम चिन होती है सारी जो चीज़ें होती हैं हाइपोप्लेजिया होता है देन इनकी बोन ग्रोथ कम होती है यूजअली ये सारे फीचर्स होते हैं हमारे डाउन सिंड्रोम में तो इसके आंसर्स देख लेते हैं हम

मैरीज मतलब ये कह रहे हैं कि एक है. तो हमेशा पे ही इसका ट्रेट तो अगर हीमोफिलिक मैन है मतलब इसके पास एक ही क्रोमोज़ोम है और वो अकेले क्रोमोज़ोम में ही बीमारी है तो इसको हम राउंड कर देंगे तो ये हो गया हमारा हीमोफिलिक मैन अब उसने शादी करी किसके साथ होमोजाइगस वुमेन के साथ तो होमोजाइगस वुमेन इज डबल एक्स एंड उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो ना कि कैरियर है और ना ही उसको ट्रेट है हीमोफीलिया का। अब जब मैं इसका टेस्ट क्रॉस करूंगी, तो कुछ इस तरीके से होगा इज दैट क्लियर चलिए यहां पे मैं टेबल बना लेती हूं तो जब मुझे ऑफ मिलेंगे स्टूडेंट्स तो वो किस तरीके के होंगे वो होंगे कुछ इस तरीके के कि जो फादर है जो फादर है वो हमेशा किसको देगा अपने डॉटर्स को देगा लेकिन डॉटर्स के हीमोफीलिक होने के चांसेस कितने हैं जीरो परसेंट क्योंकि दोनों ही डॉटर्स क्या होंगी कैरियर दोनों ही डॉटर्स क्या होंगी कैरियर इनको हीमोफीलिया नहीं है बट ये कैरियर हीमोफिलिक है कि इनके पास कह सकते हो सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे ओ, यहाँ पे डबल एक्स होना चाहिए इनके पास दो सेट ऑफ एक्स हैं इसलिए एक सेट एक सेट इनका खराब है और दूसरा सेट इनका सही है मतलब फादर्स हमेशा डॉटर्स को हीमोफिलिया देते हैं जो मदर्स होती हैं वो सन को ठीक है एंड ये जो फिनोमिना है इसको हम क्या कहते हैं क्रॉस फिनोमिना भी कहते हैं नाउ स्टूडेंट्स ये जो है हमारे डबल एक्स है इसमें फीमेल्स जो रहेंगी जो डॉटर्स रहेंगी वो हमेशा क्या रहेंगी कैरियर रहेंगी ना कि उनको वो डिजीज है तो चांसेस इनके हीमोफिलिक होने के कितने हैं जीरो परसेंट लेकिन ये क्या है कैरियर हीमोफिलिक्स है इज दैट क्लियर चलिए इसका आंसर देख लेते हैं

Now question number six, a test is performed to know whether the given plant is homozygous dominant or heterozygous. Name the test and phenotypic ratio of this test for monohybrid cross. अब students हम कौन सा करते हैं test cross करके जो हम phenomena perform करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि whether हमारा plant is homozygous, या तो उसके पास दोनों क्या है same traits हैं। अब homozygous टॉल भी हो सकता है भी हो सकता है या तो वो हेट्रोजाइगस या तो होमोजाइगस टॉल हो सकता है या तो हेट्रोजाइगस टॉल uh, हो सकता है नाउ हेट्रोजाइगस टॉल क्यों क्योंकि यहाँ पे जो डोमिनेटिंग ट्रेट प्रेजेंट है डोमिनेटिंग ट्रेट जब प्रेजेंट रहता है तो वो अपने कैरेक्टर्स वो ही शो करेगा रिसेसिव वाला अपने कैरेक्टर शो नहीं कर पाता तो यहां पे इस कंडीशन में ये क्या होगा मेंट्रोजाइगल स्टॉल और ये पता लगाने के लिए हम क्या परफॉर्म करते हैं टेस्ट क्रॉस एंड वो टेस्ट क्रॉस का मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या रहता है वन इज टू वन क्यों स्टूडेंट्स जब हम मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं ठीक है मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस मतलब हमने दोनों होमोजाइगस कंडीशन ली अब बनाने के लिए हम ये वाली चीजें ऐसे लिख देते हैं ठीक है एंड ये वाली चीजें हम ऐसे लिख देते हैं जब हम इसका प्रोजेनी बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके की बनेगी अब बताओ हमारी सारी जनरेशन कैसी आई वन इज टू वन के रेशो में मतलब सारी जनरेशन कैसे आई हेट्रोजाइगस टॉल इज दैट क्लियर चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन नेम द फिनोमिना दैट अकर्स वेन होमोलोगस क्रोमोजोम डू नॉट सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस अब आपको फिनोमिना बताना है जिसकी वजह से होमोलोगस क्रोमोजोम जब सेपरेट नहीं होते ड्यूरिंग मियोसिस देख लेते हैं भैया चलिए नाउ द नेम ऑफ द फिनोमिना इज नॉन डिसजंक्शन

टे अब आपको दोनों के जीन्स uh, बताने हैं वैसे ट्रेड्स बताने हैं जो ह्यूम के भी पे प्रेजेंट है Now, देख लेते हैं द नेम ऑफ द ट्रेड जीन्स आर लोकेटेड ऑन द सेक्स क्रोमोजोम इन ह्यूम इज कलर ब्लाइंडनेस कलर ब्लाइंडनेस क्या है दैट इज अक्स कह सकते हो सेक्स जीन रिलेटेड डिजीज एंड उसी जगह ड्रोसोफिला में इट्स दी आई कलर ड्रोसोफिला के सेक्स क्रोमोसोम्स में आई कलर का ट्रेड रहता है एंड ह्यूमंस के क्रोमोजोम में कौन सा रहता है हमारे कलर का। इज दैट क्लियर चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन व्हाट इज एन्यूप्लॉयडी अब स्टूडेंट्स दो चीजें होती हैं पॉलीप्लॉयडी एंड एन्यूप्लॉयडी एन्यूप्लॉयडी टू एन प्लस माइनस वन टू एन प्लस माइनस टू अब ये क्या चीज है मतलब आपका एक या तो ऐड हो गया या तो हो गया या या तो तो डिलीट हो हो आपके दो ऐड गए या डिलीट हो गए माइंड एड स्टूडेंट मैं यहां पे सिंगल क्रोमोजोम की बात कर रही हूं मैं यहाँ हैप्लॉइड सेल की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पे सिंगल क्रोमोजोम की बात कर रही हूं आपके टू एन में या तो एक क्रोमोजोम का एडिशन है या तो सब्सट्रैक्शन या कह सकते हो डिलीशन एंड उसी की जगह या तो दो क्रोमोसोम्स का एडिशन है और दो क्रोमोसोम्स का डिलीशन इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं एन्यूप्लॉडी नाउ एग्जांपल्स ऑफ एन्यूप्लॉडी जल्दी से आप मुझे बताइए क्लाइन फिल्टर डाउन सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम ये सब क्या है हमारे एन्यूप्लॉडी इज दैट क्लियर तो एडिशन या सबट्रैक्शन ऑफ सिंगल या मोर देन वन सेल ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज एन्यूप्लोइडी देख लेते हैं भैया इसका आंसर नाउ एन्यूप्लोइडी इज अ फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग मतलब या तो ऐड होगा या तो लूज होगा एक से ज्यादा क्रोमोसोम ड्यू टू फेलियर ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ द मेंबर ऑफ होमोलोगस पेयर ड्यूरिंग मियोसिस एंड ये कब होता है जब सेपरेशन नहीं होता ड्यूरिंग मियोसिस तो तब क्या होगा या तो एक एडिशन हो जाता है या तो एक सब्सट्रैक्शन हो जाता है चलिए। नाउ क्वेश्चन नंबर टेन व्हाट जेनेटिक प्रिंसिपल कुड बी डिराइव्ड फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो हमने देखा ही था क्या रहते हैं सबसे पहले हम होमोलोगस पेरेंट जनरेशन लेंगे अब इसमें हमें क्या रेशो मिला वन इज वन एंड कुछ इस तरीके के हमें एफ वन प्रोजेनी मिली क्या मिली एफ वन प्रोजेनी ठीक है तो F1 कुछ इस तरीके का मिली अब स्टूडेंट्स जब मैं F1 के बीच में क्रॉस करूंगी तो क्या मिलेगा मुझे यहां पे देखो जब मैंने F1 के बीच में क्रॉस करा तो मुझे कुछ इस तरीके की मिली क्या मिला मुझे मुझे मिला कैपिटल T, स्मॉल t एंड स्मॉल t, स्मॉल t। अब इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ एक मुझे मिला होमोजाइगस टॉल एंड दो मुझे मिले हेट्रोजाइगस टॉल एंड एक मुझे मिला होमोजाइगस डॉफ मतलब क्या रेशो आया मेरा वन इज टू टू इज टू वन एंड इससे क्या निकलता है इससे जो मेजर लॉ मेंडल ने निकाला था वो था हमारा द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम हमारा कह सकते हो मोनोहाइब्रिड क्रॉस द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसा कि मैंने अभी आपको बताया अब आगे देख लेते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर इलेवन

नाउ क्वेश्चन नंबर इज़ टेस्ट क्रॉस ये भी हमने देखा ये पता कराने के लिए कि हमारे जो पेयर है कि या तो वो होमोजाइगस टॉल है या तो वो क्या है हेट्रोजाइगस टॉल है या तो वो होमोजाइगस डॉफ है तो ये जब आपको पताना रहता है कि उसका फिनोटिपिक रेशो क्या है तो इसके लिए हम करते हैं देखो स्टूडेंट जो दिखता है वो फिनोटाइप है जो जेनेटिक रेशो होता है वो कहते हैं उसके जीन्स में तो जब आपको रेशो बताना है उसका फिनोटिपिक जीनोटिपिक तब आप क्या लेते हो तब आप टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते हो इज दैट क्लियर चलिए टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस इन विच ऑफ स्प्रिंग विदिनेंट फिनोटाइप इज क्रॉस विद होमोजाइगस रिसेसिव

क्यों क्योंकि एक भी म्यूटेशन हो गया एक भी चेंज हो गया तो वो क्या करेगा वो अपने फंक्शन से अलग हट के फंक्शन परफॉर्म करेगा जिसकी वजह से पूरी की पूरी साइकिल गड़बड़ हो जाती है तो म्यूटेशन क्या है कोई भी चेंज आपकी बॉडी में अकर हो रहा है अब म्यूटेशन को जो कॉज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं म्यूटाजन तो so, म्यूटाजेंस क्या हुए जो भी म्यूटेशन कॉज करते हैं उनको हम म्यूटाजि कहते हैं अब स्टूडेंट्स म्यूटाजेंस केमिकल भी हो सकते हैं डी डी टी एन ऑल म्यूटाजेंस फिजिकल भी हो सकते हैं यूवी रेज एक्स रेज गामा रेज म्यूटाजेंस बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं तो म्यूटाजेंस के तीन क्लासिफिकेशन क्या है म्यूटाजिन के क्लासिफिकेशन म्यूटाजेंस क्या है कॉजिंग म्यूटेशन तो जो म्यूटेशन कॉज करते हैं उनको हम म्यूटाजेंस कहते हैं अब म्यूटाजन का क्लासिफिकेशन क्या है म्यूटाजन कैन बी केमिकल जब भी कोई केमिकल चीजों की वजह से आपकी बॉडी में म्यूटेशन हो रहा है म्यूटाजेंस कैन बी फिजिकल यूवी रेज गामा रेज एक्स रेज तो ये हो गए मेरे फिजिकल म्यूटाजेंस अब म्यूटाजेंस कैन बी बायोलॉजिकल वायरसेस बैक्टीरिया फंजाय ये सब क्या है मेरे बायोलॉजिकल ये सब क्या है बायोलॉजिकल न्यूटाजिन ठीक है स्टूडेंट्स तो म्यूटाजेंस तीन टाइप के होते हैं केमिकल फिजिकल या बायोलॉजिकल इज दैट क्लियर चलिए इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं द फिजिकल और द केमिकल्स एजेंट दैट कॉज म्यूटेशन फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल हम क्या लिखेंगे फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस या एजेंट्स दैट कॉज म्यूटेशन अब वो क्या है एक्सरेज डी डी टी वायरसेस फंजाई ठीक है तो ये सब क्या है हमारे म्यूटाजेंस इज दैट क्लियर चलिए

फ्लार इज दैट क्लियर चलिए नाउ अब आते हैं हम लॉन्ग आंसर्स पे नाउ क्वेश्चन नंबर आइडेंटिफाई द सेक्स ऑर्गेनिज्म एज मेल और फीमेल विद दी द सेक्स इज फाउंड एज अब स्टूडेंट्स दो चीजें होती हैं बर्ड्स में बर्ड्स में दो चीजें होती हैं अगर जेड डब्ल्यू है तो वो क्या होगा फीमेल बर्ड होगी क्या होगी फीमेल बर्ड एंड अगर जेड जेड है तो क्या होगा मेल बर्ड जैसे ह्यूमंस में सेक्स क्रोमोजो क्या होते हैं डबल एक्स इज फीमेल एक्स वाई इज़ मेल सिमिलरली बर्ड्स में क्या होता है जेड डब्ल्यू इज अ फीमेल बर्ड एंड जेड जेड इज मेल बर्ड तो स्टूडेंट्स जेड डब्ल्यू इन बर्ड्स इज क्या होगा इसका आंसर फीमेल वेरी गुड तो ये हो गई मेरी फीमेल एक्स वाई इन ड्रॉसोफिला इज चल्दी बताओ मेल नाउ जेड जेड इन बर्ड इज मेल एंड एक्स ओ इन ग्रास होपर यह क्या होगा जल्दी बताओ एक्स हो इन ग्रास होपर इज मेल इज दैट क्लियर चलो देख लेते हैं जेड डब्ल्यू इन बर्ड इज फीमेल एक्स वाई इन इन ड्रॉसोफिला इज मेल जेड जेड इन बर्ड्स इज मेल एंड एक्स ओ एन ग्रास होपर इज मेल इज दैट क्लियर चलिए एंड एक्स एक्स इन ग्रास होपर इज फीमेल इज दर चलो चलिए क्वेश्चन नंबर टू नाउ मैंशन टू डिफरेंस बिटवीन टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम सो स्टूड इज मेन डिफरेंस क्या है टर्नर सिंड्रोम का यहां पर मैं लिख लेती हूं टर्नर सिंड्रोम एंड यहां मैं लिख लेती हूं क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम अब स्टूडेंट्स टर्नर सिंड्रोम क्या है टर्नर सिंड्रोम जब एक एक्स क्रोमोजोम एबसेंट हो जाता है मतलब कि फीमेल्स में दो एक्स एक्सक्रोमोजोम होते हैं अब उसकी जगह एक एक्स क्रोमोजोम एबसेंट है मतलब सिर्फ सिंगल सेट ऑफ एक्स क्रोमोजोम इज प्रेजेंट तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं हम टर्नर सिंड्रोम जब फीमेल्स में दो एक्स क्रोमोसोम्स की बजाय एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है एंड स्टूडेंट्स क्लाइनफेल्टर में क्या रहता है मेल में क्या रहता है एक्स एंड वाई लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जब होता है जब डबल एक्स वाई कंडीशन होती है मतलब कि वो ऐसा मेल है जिसमें सिंगल क्रोमोजोम की बजाय पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है अलोंग वाई मतलब ये तो आपको क्लियर हो गया कि टर्नर सिंड्रोम क्या है कंडीशन जब एक सेट ऑफ एक्स क्रोमोसोम एबसेंट रहता है एंड उसी जगह क्लाइन फिल्टर ऐसी कंडीशन है जब एक सेट की बजाय दो सेट ऑफ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं मेल्स में अब स्टूडेंट्स सेकंड मेजर डिफरेंस क्या हुआ मैं बार-बार बोल रही हूं कि टर्नर सिंड्रोम हमेशा किस में होगा फीमेल्स में होगा एंड क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम हमेशा किस में होगा मेल्स में होगा तो ये तो हो गए हमारे दो मेजर डिफरेंस अब अगर मैं इनके फीचर्स पे डिफरेंस देखूं तो टर्नर सिंड्रोम का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है रूडीमेंट्री ओवरीज अब वो फीमेल बच्चियां जो रहती हैं उनको मेंसुरेशन नहीं होता उनकी ओवरीज थोड़ी लेस डेवलप्ड होती हैं, वेब्ड नेक होती है ब्रॉड कह सकते हो लेस डेवलपमेंट ऑफ चेस्ट रहता है देन उनके शॉर्ट हेयर लाइन रहती है शॉर्ट स्टैचर रहता है तो ये सारे फीचर्स किसके हैं टर्नर सिंड्रोम लिख लेते हैं लो हेयर लाइन रूडिमेंट्री ओवरीज रूडी Mentry ovaries No mensuration Webbed neck तो ये सारे फीचर्स किसके हैं हमारे टर्नर सिंड्रोम के अब इसी जगह में क्लाइंट फिल्टर के देखू तो वो कैसे होते हैं टॉल स्टैचर रहता है अब उनकी क्या फीमेल कैरेक्टर्स गाइनोकोमेस्टिया रहता है उन्हें देन एबनॉर्मल हैंड फीट रेशो रहता है टॉल स्टैचर रहेगा बहुत लंबे से रहेंगे ऐसे इनके एबनॉर्मल लिम्ब रेशो होगा उसके बाद क्या रहेगा इनके पास कह सकते हो बॉडी में लेस लिबिडो रहता है देन इनके इरेगुलर क्योंकि इनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है तो इनके में मेन जो कह सकते हो कैरेक्टर्स हैं लाइक ब्रॉड चेस्ट लेस हेयर ये सारी चीजें प्रेजेंट होगी तो क्या क्या होगा इनमें इनमें होगा टॉल स्टैचर उसके बाद इनके में होगा हमारे लो uh, हेयर ठीक है उसके बाद uh, कह सकते हो एबनॉर्मल रेशो, फीमेल टाइप बॉडी है उसके बाद गाइनिकोमेस्टिया तो ये सारे फीचर्स किस में रहते हैं हमारे क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में इज दैट क्लियर चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से ले लीजिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर चलिए ना क्वेश्चन नंबर जीन टू हीमोफीलिया टू सन वाई इज इट सो मेल कभी भी अपने बेटे को मैंने आपको बताया था फादर से हमेशा डॉटर में जाता है एंड मदर से हमेशा सन में जाता है ऐसा क्यों नहीं होता कि मदर से डॉटर में जाए एंड फादर से सन में जाए इस चीज को आपको जस्टिफाई करना है अब देख लेते हैं इसका आंसर चलिए द ह्यूमन मेल नेवर पास द जीन फॉर हीमोफीलिया क्यों क्योंकि हीमोफीलिया इज एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर टू सन बिकॉज द जीन ऑफ हीमोफीलिया इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोजोम क्योंकि जो हीमोफीलिया का जीन है वो कहां प्रेजेंट है ऑन X क्रोमोजोम अब मेल हैज ओनली वन X क्रोमोजोम एंड मेल जो रहता है उसके पास ओनली वन X क्रोमोजोम प्रेजेंट रहता है विच ही रिसीव फ्रॉम हिज मदर और वो X क्रोमोजोम मतलब मेल के पास मदर से X क्रोमोजोम आया एंड वाई जो था वो फादर से आया तो जो मदर का एक्स एक्सक्रोमोजोम है वो कैसा है वो तो उसे जो सन को वो तो उसे उसकी मदर से ही मिला ठीक है फ्रॉम हिज फादर द ह्यूमन मेल द एक्स द्रोमोजोम टू हिज डॉटर्स और फीमेल प्रोजिनी नॉट टू हिज सन और मेल प्रोजनी तो जो फादर है वो क्या करेंगे हमेशा अपनी डॉटर्स को देंगे एंड जो मदर्स हैं वो हमेशा अपने सन को देंगी क्यों क्योंकि हीमोफीलिया इज एन एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर एंड मेल्स के पास सिंगल सेट है जो कि मदर से ही आया अब फीमेल के पास क्या है एक सेट फादर से आया है और एक सेट मदर से आया है तो फादर हमेशा किसको देंगे डॉटर्स को ही देंगे लेकिन मदर हमेशा सन को देगी इज दैट क्लियर चलिए क्वेश्चन नंबर फोर मेंशन फोर रीजंस व्हाई ड्रोसोफिला की क्यू ड्रोसोफिला चूज करी थी मॉर्गन ने फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स इन जेनेटिक्स कि कि आपको फोर रीजंस बताने हैं ड्रोसोफिला मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट इन जेनेटिक्स में यूज करी थी नाउ ड्रोसोफिला हैज अ वेरी शॉर्ट लाइफ साइकिल कितने दो हफ्तों की तो ड्रोसोफिला जो है सबसे अच्छी बात है वो उसकी लाइफ साइकिल पूरी लाइफ साइकिल ही दो हफ्तों की होती है तो उस पर आप स्टडी करना आसान हो जाता है वही अगर 200 साल के एनिमल पे करोगे तो 200 साल तक रिकॉर्ड करना पड़ेगा ये दो वीक्स तक करते हैं तो अपनी लाइफ साइकिल जल्दी से खत्म कर लेते हैं तो आपकी स्टडी आसान हो गई अब इट कैन बी ग्रोन ईजिली इन द लेबोरेटरी अब आप अगर आपको को लैब में बनाना है तो वो भी आप इजिली ग्रो कर सकते हो लेबोरेटरी में ठीक है नाउ इन सिंगल मेटिंग इट प्रोड्यूसेज अ लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स और एक सिंगल मेटिंग अगर आपको ड्रोसोफिला की कराओगे तो बहुत थाउजेंड ऑफ प्रोजेनी वो एक टाइम पे ही प्रोडक्शन करते हैं नाउ मेनली हेरिडिटरी वेरिएशन हैव बीन शोन बाय मेल्स एंड फीमेल्स और बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं इनके मेल्स एंड फीमेल जिसका आपको स्टडी करने में आसानी होगी जिस चीज में ज्यादा वेरिएशंस उसकी स्टडी करने में एडवांटेज भी ज्यादा होंगे नाउ इट हैज फोर पेयर ऑफ क्रोमोसोम दैट आर डिस्टिंक्ट इन साइज एंड एंड शेप द बेस्ट पार्ट इज इसके जो चार क्रोमोजोम है उन सबका साइज भी अलग है शेप भी अलग है तो आपको उनके इंडिविजुअल स्टडी करना भी आसान हो जाता है ठीक है स्टूडेंट्स चलिए ट बिटवीन पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अब पॉइंट म्यूटेशन क्या होगा जब एक सिंगल पॉइंट पे ऑफ बेस फेयर का म्यूटेशन होता है एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होगा जब पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाता है जिसकी वजह से म्यूटेशन होगा Is that clear? तो point पे अगर म्यूटेशन हो रहा है तो उसे हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं तो उसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं ठीक है तो डिफरेंस बिटवीन पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज एस फॉलोज नाउ पॉइंट म्यूटेशन अराइजेस ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डी एन एग्जाम्पल सिक्कलिया मैंने आपको बताया था गैग गुब में बन जाता है मतलब एक सिंगल पॉइंट पे म्यूटेशन हुआ क्या हुआ एक सिंगल पॉइंट पे म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड चेंज हो गया वलीन में अब उसी की जगह फ्रेम शिफ्ट क्या होता है ड्यू टू डिलीशन और इंसर्शन क्या होगा फ्रेम शिफ्ट में अगर आपके पास ये एक फ्रेम है अब क्या हुआ या तो यहां पे का एडिशन होके पूरा का पूरा फ्रेम ही चेंज हो गया या तो एक चीज का डिलीशन होके पूरा का पूरा फ्रेम चेंज हो गया तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या तो इंसर्शन की वजह से होता है या तो डिलीशन की वजह से होता है अब डुप्लीकेशन भी हो सकता है ऑफ टू बेसिस इन अ डीएनए जिसकी वजह से पूरा का पूरा फ्रेम में डिफरेंस आ जाता है तो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स गिव एनी टू सिमिलैरिटीज बिटवीन द बिहेवियर जीन्स ऑफ मेंडल फैक्टर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस एंड क्रोमोसोमल ड्यूरिंग सेल डिवीजन अब आपको कोई भी दो सिमिलैरिटीज बतानी है बिटवीन बिहेवियर ऑफ जीन्स जो मेंडल ने जीन्स चूज करे थे ड्यूरिंग इनहेरिटेंस एंड ड्यूरिंग क्रोमोसोमल सेल डिवीजन देख लेते हैं चलिए

हमने देखा क्रोमोसोम कैसे हैं पेयर्स में हैं सिमिलरली मेंडल के जो ट्रेट्स हैं वो क्या है वो भी पेयर्स में ही हैं ठीक है ठीके? तो या तो वो होमोजाइगस टॉल थे होमोजाइगस ड्वार्फ थे या हेट्रोजाइगस टॉल थे उसी की तरह जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी पेयर्स में हैं एंड मेंडल के जो ट्रेट्स थे वो भी पेयर्स में हैं अब Second, the chromosome of different homologous pair are assorted independently. jo chromosome का हमारा wo tha law of independent assortment into gametes during meiosis. अब क्या होता है? जब हम independent assortment करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा था? हर chromosome independently अपने आप को express करता है। ठीक है तो यहां पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताता है कि हर क्रोमोजोम अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करेगा सिमिलरली क्रोमोजोम्स भी जो हमारे रहते हैं इनहेरिटेंस uh, में वो भी अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करते हैं इन ड्यूरिंग द मियोसिस दिस इज एट रेंडम शोइंग पैरलिज्म विद द मेंडेलियन फैक्टर्स तो ये क्या है ये शो करता है पैरलिज्म विद द मेंडेलियन फैक्टर इज दैट क्लियर चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ लॉ ऑफ मेंडल इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कि कौन सा लॉ ऑफ मेंडल है जो सब जगह एक्सेप्ट किया गया उस लॉ को आपको स्टेट करना है और पूरा एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं हम चलिए मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अब मेंडल का जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसको हर जगह एक्सेप्ट किया गया द लॉ स्टेट्स डेट द टू ऑफ अ जीन रिमेन सेपरेट एंड डू नॉट कंटेमिनेट ईच अदर इन दफ और दाइब्रिड एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन टू एलील्स गेट सेपरेटेड एंड पेयर इन टू डिफरेंट गैमीट्स मतलब जब तक वो F1 वन जनरेशन में होते हैं गेमीट्स अपने आप को सेपरेट नहीं करते लेकिन जैसे ही F1 वन जनरेशन के बाद गैमीट का फॉर्मेशन होता है तब ये एलील्स अपने आप को सेपरेट करते हैं और अपने कैरेक्टर्स इन टू पेयर करते हैं डिफरेंट गेमीट्स इज दैट क्लियर कि दो एलील जो थे रिमेन सेपरेट अभी तक वो बिल्कुल कंटामिनेट नहीं करते वो एक दूसरे के होमोजाइगस कंडीशन में ही हैं ईच अदर इन एफ वन और द हाइब्रिड अब एट दी टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन

और क्या नहीं पता है आपको वो प्लांट कैसा दिखता है ये पता है लेकिन उसका जीनोटाइप नहीं पता क्या नहीं पता आपको उसका जीनोटाइप रेशो नहीं पता तो आप क्या करोगे उन दोनों को होमोजाइगस कंडीशन के साथ मेट करोगे ठीक है अब इससे आपको पता चलेगा या तो वो होमोजाइगस प्लांट है या तो वो हेट्रोजाइगस प्लांट है तो टेस्ट क्रॉस हम कब परफॉर्म करते हैं जब हमें किसी भी गेमेट का जेनोटिपिक रेशो नहीं पता रहता कि वो होमोजाइगस प्लांट है या हेटेरोजाइगस प्लांट है तो तब हम क्या करेंगे टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करेंगे अब आ जाते हैं टू टेस्ट whether a plant is homozygous or heterozygous जब हमें ये पता लगाना रहता है कि प्लांट होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है अ टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म्ड विच एन इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस रेसेसिव जब हम क्या करते हैं एक दोनों ही इंडिविजुअल को होमोजाइगस रेसेसिव से क्रॉस करते हैं इफ अ प्लांट इज हेट्रोजाइगस द प्रोजेनी ऑफ द टेस्ट क्रॉस कंटेन अगर प्लांट हेट्रोजाइगस है तो प्रोजेनी क्या होगी उसके पास टॉल भी होगा ड्वार्फ भी होगा एंड अगर रेशो क्या होगा वन

हेट्रोजाइगस कंडीशन तो जब भी आपको फिनोटिपिक रेशो पता लगाना है तो आप क्या परफॉर्म करेंगे टेस्ट क्रॉस आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन पे व्हाई डू सन्स ऑफ अ हीमोफिलिक फादर नेवर सफर फ्रॉम स्टेट अभी हमने पढ़ा था कि सन क्यों हमेशा नेवर सफर मतलब जो हीमोफिलिक फादर होते हैं व्हाई डू सन्स ऑफ हीमोफिलिक फादर मतलब क्यों अगर हीमोफिलिक फादर है मतलब एक्स वाई कंडीशन है नेवर सफर फ्रॉम द क्यों क्योंकि स्टूडेंट्स अगर उन्होंने एक नॉर्मल देखो यहां पे देख लेते हैं ये है हीमोफिलिक फादर और ये है नॉर्मल मदर ठीक है हीमोफिलिक फादर एंड नॉर्मल मदर अब जब मैं इसका टेस्ट क्रॉस करूंगी तो कुछ इस तरीके का होगा क्या होगा मेरी जो डॉटर्स होंगी वो सारी क्या होंगी कैरियर्स और सन्स सारी डॉटर्स क्या होंगी सारी डॉटर्स होंगी कैरियर और सन्स क्या होंगे सन्स होंगे नॉर्मल इसलिए अगर फादर हीमोफिलिक है तो उसके सन्स कैसे होते हैं नॉर्मल होंगे और डॉटर्स कैसी होंगी कैरियर इसलिए हीमोफिलिक फादर को कभी भी सन्स हीमोफिलिक नहीं होते क्यों क्योंकि फादर से कहा जाएगा डॉटर से को और मदर से कहा जाएगा सन्स को इज दैट क्लियर तो ये याद रखना आप हमेशा सिंस हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर एंड द जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोफीलिया इज प्रेजेंट ऑन दी एक्स क्रोमोजोम और जो जीन ऑफ हीमोफीलिया है वो कहां प्रेजेंट है इट इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन दी एक्स क्रोमोजोम इट शोज़ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मैंने बताया था ना क्रॉस इनहेरिटेंस तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं जब फादर से डॉटर मदर से सन कभी भी मदर टू डॉटर फादर टू सन नहीं आता हीमोफीलिया बिकॉज़ हीमोफीलिया इज़ एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर और एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर की वजह से सन्स हमेशा सिंगल पेयर ऑफ एक्स है तो अगर वो मदर से डिफेक्टेड आया तो उसको होगा हो ही होगा वेयर एज फादर के पास जो डॉटर के पास दो एक्सक्रोमोजोम एक मदर से आता है एक फादर से आता है तो हमेशा फादर टू डॉटर जाएगा और सन के पास एक ही एक्सक्रोमोजोम के पास से तो एनी वे सन को हीमोफीलिया होगा ही होगा इज दैट क्लियर चलिए ना क्वेश्चन नंबर टेन हाउ इज अ चाइल्ड अफेक्टेड इफ इट हैज ग्रोन फ्रॉम दोड फॉर्म्ड बाई एन डबल एक्स एग फर्टिलाइज बायोग स्पर्म वाई डू यू कॉल दिस एब्नोर मेलिटी अब आपको बताना है कि क्यू एक चाइल्ड अफेक्ट हुआ जबकि वो ग्रो हुआ बाय एन डबल एक्स एग फर्टिलाइज बाय क्रोमोजोम स्पर्म वाइट डू यू कॉल दिस एन एब्नोमेलिटी अब आपके पास ये कंडीशन है तो ये कंडीशन क्या है इस कंडीशन में आपके पास कह सकते हो डबल एक्स है मतलब 47 सेवन क्रोमोजोम है आपके पास आपके पास 46 सिक्स है प्लस एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ एक्स क्रोमोजोम क्या है 46 सिक्स क्रोमोजोम के साथ साथ देखो आपके पास 46 सिक्स क्रोमोजोम के साथ साथ एक एक्स्ट्रा एक्स पेयर है मतलब टोटल 47 सेवन क्रोमोजोम है आपके पास तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं सिंड्रोम एंड इसमें क्या होगा एक extra X chromosome की वजह से जो मेल होगा उसमें क्या होंगे होंगे मतलब यहां पे सिंगल एक्स और वाई को फर्टिलाइजेशन होने के बजाय क्या हो रहा है डबल एक्स वाई डबल एक्स वाई फर्टिलाइजेशन हो रहा है

विथ फेमिनाई फिजिक्स विथ ब्रेस्ट डेवलपमेंट जिसको हम गाइनोकोमेस्टिया कहते हैं प्यूबिक हेयर पैटर्न ना पुअर ब्रेड बियर्ड ग्रोथ अब उसके मेल कैरेक्टर्स तो कम होंगे जैसे पैटर्न ऑफ हेयर उसका फीमेल टाइप का होगा अब उसकी बियर्ड नहीं आएगी ठीक है तो ये सारे फीमेल कैरेक्टर्स मेल में होंगे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट गाइनोकोमेस्टिया ये सारी चीजें लिखेंगे हमें किसमें क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम में एंड स्टोलिटी क्यों क्योंकि इनके जो गुनाड रहते हैं वो डेवलप्ड नहीं रहते इसलिए इनकी स्टलाइल या लिबडो लेवल बहुत कम रहता है इज दैट क्लियर चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर इलेवन द मैप डिस्टेंस बिटवीन अ सर्टेन ऑर्गेनिज्म जीन्स ए एंड बी यूनिट्स बिटवीन बी एंड सी इज फाइव यूनिट्स एंड बिटवीन सी एंड डी इज एट यूनिट्स Which one of the gene pair will show more recombination frequency? Give reason. अब आपके पास A है जिसके बीच में A and B के बीच में difference फोर units का है B और C के बीच में difference फाइव units का है और C और D के बीच में एट units का difference है अब आपको बताना है कि इन सब में से सबसे ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी किसमें होगी एंड उसका रीजन भी देना है सो स्टूडेंट सी एंड डी के बीच में एट डिफरेंस है इसलिए उनके बीच में मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन होगा बिकॉज जीन्स दैट आर लिंक्ड मोर क्लोजली एंड आर हैविंग द लीस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन वाइसा वर्सा इज दैट क्लियर चलिए

वॉट इज पेडिग्री एनालिसिस पेडिग्री एनालिसिस क्यों करते हैं हम पेडिग्री एनालिसिस ज़रूरी है क्यों क्योंकि हम फैमिली के इनहेरिटेंस के बारे में पता लगा सकते हैं हम डिजीज को ट्रैक कर सकते हैं कि कैसे वो एंसेस्टर्स से बच्चों में आई कैसे अगर कोई भी जो पेडिग्री एनालिसिस फैमिली प्लानिंग में काम आती है कि जब आपको पता है कि आपकी फैमिली uh, में कोई डिसऑर्डर रन कर रहा है तो क्या चांसेस है आपके बच्चों में वो डिसऑर्डर होने में कितने चांसेस हैं मेल सफ़र करेंगे कितने चांसेस हैं फीमेल सफ़र करेंगे तो ये सारी फैमिली प्लानिंग की काउंसलिंग में एंड यूजली uh, जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं इनहेरिटेंस पता लगाने में तो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस फैमिली काउंसलिंग इन सब चीज़ों में हम पेडिग्री एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं पेडिग्री एनालिसिस से हमें यह भी पता चलता है कि कौन सा डिसऑर्डर ऑटोसोमल डोमिनेंट है कौन सा है कौन सा सेक्स डोमिनेंट है कौन सा सेक्स है, तो ये सारी चीजें भी हम पेडिग्री एनालिसिस से ट्रैक कर सकते हैं नाउ एनालिसिस ऑफ केस हिस्ट्री अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रेट इन सेवरल जनरेशन ऑफ अ फैमिली इज नेम्ड एज पेडिगरी एनालिसिस तो जिस एनालिसिस की मदद से आप पूरा फैमिली ट्री ट्रैक कर सकते हो कि कैसे वो बीमारी एक फैमिली में रन कर रही है कैसे वो आगे फर्दर पास ऑन होगी तो ये सारी चीज़ें ट्रैक करने के लिए हम यूज करते हैं पेडिग्री एनालिसिस का नाउ इट प्रोवाइड अ रॉबर्स टूल मतलब ये एक टूल है जिसकी वदर, मदद से आप ट्रेस कर सकते हो इनहेरिटेंस की कैसे वो इनहेरिटेंस स्ट्रेट रन करा अब वो अब डोमिनेंट है या रेसिव है तो ये सारी चीजें के लिए हमें पेडिग्री एनालिसिस हेल्पफुल रहता है अब स्टूडेंट्स हम पेडिग्री एनालिसिस में कुछ साइन यूज करते हैं जैसे हमने ये यूज करा फिर हम राउंड विथ डार्क कलर हम अफेक्टेड के लिए जिसमें हम कुछ भी क्लियर वो नहीं करते तो नॉर्मल मेल अब ये है नॉर्मल फीमेल ठीक है तो इसी तरीके से हम यूज करते हैं अब इनके बीच में अगर लाइन ड्रॉ करो तो मैरिज हो जाती है अब ऐसे ही बहुत सारे साइंस हैं जिसका हम यूज करते हैं किसमें अब अगर हाफ है तो मतलब कैरियर है तो ये सारे सिंबल्स हैं ऑफ एनालिसिस नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन व्हाट आर मल्टीपल एलि गिव एन एग्जांपल कि मल्टीपल एलिज क्या होता है और साथ ही उसके एग्जांपल्स दीजिए चलिए देख लेते हैं नाउ प्रेजेंस ऑफ मोर देन two alleles of a trait is called as multiple allele example in human beings four type of blood group is recognized as different allele as group a group b now and group o तो ये सारे क्या है ये सिंगल ट्रेट है मतलब ब्लड ग्रुप एक ही है लेकिन इसके क्या है मल्टीपल एलियल है कुछ एलियल ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव कुछ एलियल बी पॉजिटिव कुछ एलियल ओ पॉजिटिव एंड आर एच नेगेटिव फैक्टर है तो ए नेगेटिव बी नेगेटिव ओ नेगेटिव, तो ये सारे क्या है ये सिंगल ट्रेट, मतलब ब्लड ग्रुप जो ट्रेट है लेकिन इसके मल्टीपल एलील्स हैं तो इसको हम क्या कहते हैं मल्टीपल एलिनिज्म और इसका एग्जाम्पल इज ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज हमने खत्म कर लिया है uh, हमारा मैग्नेट ब्रेन टेस्ट पेपर ऑफ चैप्टर सिक्स हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी डाउट हो तो अभी जाइए जल्दी से चैप्टर सिक्स का वन शॉट रिवीजन देखिए एनसीआरटी एक्सप्लेनेशंस देखिए टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन देखिए एंड अपने कंसेप्ट क्लियर करिए बिकॉज यही टाइम है आपको अपने कंसेप्ट को ब्रश अप करने का अगर जल्दी से देखिए कोई भी डाउट हो उसको नोट डाउन करिए एंड जाके वो टॉपिक को अच्छे से पढ़िए एंड देन अगेन आके इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करिए इससे क्या होगा आपने आपको ये पता चल गया कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, एंड अब आप उनपे बेटर वर्क कर सकते हो स्टूडेंट मैग्नेड ब्रेन प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एडुकेशन एंड अब आप हमारी बुक्स भी ले सकते हो जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो फॉर्म है उसको फिल कीजिए एंड हमारे एक्सपर्ट्स विल गेट बैक टू यू थैंक यू सो मच